Hey guys, and welcome back to the Pokemon Fire Ash Warrior, जहाँ पे जैसे पिछली बार हम लोगों ने सेलेस्टियल टावर को एक्सप्लोर किया था और जैसे उसी दौरान जो है हमारा टिपिक पिगनाइट में इवॉल्व हो चुका था। सो गाइस यार आज हम दोस्तों जाने वाले हैं इस चैलेंज चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए। बट बिफोर दैट गाइस यार काफी ज्यादा टाइम हो चुका है अपनी फायर ऐश की सीरीज को। आई नो मैंने बीच में गैप लिया था क्योंकि गाइस यार यहाँ पर बीच में ना हमारे चैनल की वीडियो जो है पोकेमॉन फायर ऐश के लिए काफी ज्यादा कम आ रहे थे। तो या आपको अपनी टीम भी दिखा देता हूँ। स्वैडलून जो है यहाँ पर लेवल 56 पर है, स्नाइवी भी है यहाँ पर हमारे साथ, स्क्रैजी भी है, पिकाचू भी है एज ऑलवेज, ओशोवॉट एंड दी पिगनाइट। सो या आज हम दोस्तों जाने वाले हैं इस चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए, लेट्स गो। और हाँ गाइस यार काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है अपने चैनल पर जो कि आपको आगे चलकर जो है पता चलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट इट। क्लब प्लोशन, यस क्लब प्लोशन को आज हम चैलेंज करने के लिए चले जाने वाले हैं। लेट्स गो गाइस यार। ओके तो यस सबसे पहले जो चीज है वो आपको दिख जाएगी। आपका स्वागत है क्लब प्लोशन में, क्या आप एंटर करना चाहोगे? इस साल का प्राइज है डिटामिन्स। यस द रूल्स आर सिंपल्स, तो ये आपको बस यहाँ पर क्या करना है, अदर साइड ऑफ द रूम जाना है और सारे के सारे ट्रेनर्स को हराना है एंड डिटामिन्स ग्रैब कर लेना है, दैट्स इट। तो चलो गाइस यार यहाँ पर आपने गेस सही किया। आज से जो है हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है ना और अदर ट्रेनर्स की वो भी गाइस यार हम यहाँ बोलने वाले हैं हिंदी में। यस पहले मैं क्या करता था, इंग्लिश जो सबटाइटल्स लिखकर आते थे मैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था इन अदर यहाँ पे क्या हो सकते हो इधर यहाँ पर वॉइस ओवर में। बट हाँ अदर वॉइस ओवर रहने वाला है आज से। बट या हम जो है यहाँ पे दोस्तों अदर हिंदी में ही बात करने वाले हैं दोस्तों अपने इस चैनल में। हाँ थोड़ा थोड़ा दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी ट्राई करूंगा बोलने के लिए, बट हाँ ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर मैं हिंदी में ही बात करने वाला हूँ। ये जो चीज मैंने है यहाँ पर अपने चैनल पर लेके आ चुका हूँ नई चीज, और आगे जाकर जो है वो काफी सारे और यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अननेसेसरी बैटल्स जो है ना वो यहाँ पर दोस्तों स्किप होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर वाइल्ड अगर मैं किसी भी रूट पर हूँ और अगर कोई भी यहाँ पर जो चैलेंजेस आते हैं आपको पता ही होगा टेनिस हमारे साथ बम्प अप होते हैं, वो चैलेंजेस जो है यहाँ पर मैं स्किप कर देने वाला हूँ। यानी कि उस दौरान जो है वीडियो पॉज करके वो चैलेंज जैसे ही खत्म हो जाएगा ना उसी दौरान जो है यहाँ पर मैं पॉज के दौरान ही यहाँ पर बैटल खत्म करके आपके साथ फिर से मिलूंगा। पहले क्या करता था गाइस यार यहाँ पर मैं पॉज लेता था वीडियो में, यानी कि मैं खुद रुक जाता था बोलने के लिए और मैं पहले तो बैटल खत्म कर लेता था, बीच में आप काफी ज्यादा बोर हो जाते थे। बट या ये जो स्टेप है ना यहाँ पर मतलब कि ये जो यहाँ पर कह सकते हो कि जो क्या कहते हैं गाइस यार जो प्रोसेसिंग है ना वो अभी रुक चुकी है। यहाँ पर गाइस यार हम सीधा यहाँ पर आगे चलते चलते चले जाने वाले है हम बैटल्स में दोस्तों। यार ऑफ स्क्रीन ही करना अभी मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। हाँ आपको पता चलेगा कि मैं बैटल कर रहा हूँ कि नहीं वो तो आपको पता ही चलने वाला है। बट या दोस्तों कैसे कर रहा हूँ एंड जो 10-20 सेकंड में बीच में गैप आता था ना बैटल्स के दौरान का मैं बीच में बोलता भी नहीं था वो जो है यहाँ पे स्किप होने वाला है गाइस यार, गैप आपके आगे चलकर जो है पता चल ही जाएगा। सो लेट्स गो, यहाँ पर हमने सारे के सारे ट्रेन को हरा दिया है। वी ऑब्टेन द एचपी अप, प्रोटीन भी मिल चुका है हमें और साथ ही साथ मिल चुका है हमें आयरन, और क्या मिला है कैल्शियम, और क्या मिला है जिंक, और लास्ट में क्या मिला है कार्बोज, और कुछ बाकी है क्या? ओके पीपी मैक्स शायद ये लास्ट में होगा। यस यहाँ पर हमने जीत लिया है। बाय आपकी कितने लोगों को होगी, तो क्लब क्वेश्चन ओवर हो चुका है, अगले साल फिर आना। ओके तो हम अगले साल जरूर आएंगे क्लब क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा मैं विटामिन का तो इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट या बैग में रख लेते हैं अगर कभी भी कोई जरूरत होगी तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर दूंगा। और गाइस यार आपने कल दोस्तों अपना ट्रेलर इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा। यस यहाँ पर अपना दोस्तों मतलब कि मैं आगे चलने जाने वाला हूँ आज ना हम यहाँ पर। ओके तो ये तो हम जाने दे रहा है अभी। यस ये डर रहा है अंदर जाने के लिए बट हम नहीं डरेंगे। सो यस वी आर गोइंग इन दी ट्विस्ट माउंटेन। तो यहाँ पर ना मैं आपको आज जो है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने गैप क्यों लिया था पोकेमॉन फायर की सीरीज पर। सो लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है मैंने कब पोकेमॉन फायर की सीरीज अपलोड की थी। तो गाइस यार मतलब कि हुआ क्या था, मैंने दोस्तों शेड्यूल तो करके रखी थी मतलब कि मुझे कब यहाँ कहाँ और कैसे दोस्तों यार पोकेमॉन फायर की दोस्तों वीडियोस लानी है। बट उसमें क्या हुआ ना गाइस, मैंने मतलब कि मैं अभी मैं ट्रैवल कर रहा था पिछले 2 महीने से मैं ट्रैवल कर रहा था यहाँ पे मतलब कि मैं मेरे गाँव में जा रहा था बार बार, शायद टोटल में 25 दिन के लिए एक महीने के लिए भी बोल सकते हो, मैं 1 महीने के लिए गाँव में ही था पिछले 1-2 महीनों में एंड उसी दौरान जो है मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं रहा था शूट करने के लिए क्योंकि यार आप जब ट्रैवल करते हो तो मुझे यहाँ पर और मैं गांव में था तो मेरे पास नेट भी अच्छा नहीं था वीडियो अपलोड करने के लिए।
मतलब कि यार मैं कर भी नहीं पा रहा था, इसलिए आपको पता ही है वीडियो में भी काफी ज्यादा डिले हो रहा था, इसलिए मैंने मैंने उसी दौरान ना पिछले 2 महीने मैंने काफी ज्यादा चीजें जो है वो नोटिस की है। तो यार सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर मेरा मतलब कि मन भी क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यार अपने चैनल पर ना काफी ज्यादा व्यूअरशिप जो काउंट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स की जर्नी स्टार्ट करने के बाद से। आई नो गाइस यार काफी ज्यादा मतलब कि मैंने खींच रहा हूँ गेम को, इतना ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब कि यार मेरी अमूमन नॉर्मल वीडियो कितनी 7 मिनट की होती है, 15 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक। बट यार अभी मेरी मतलब की पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स की जर्नी का अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं बस 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ एज ए सेड यू, क्योंकि यार मैं तभी उसी दौरान मैं ट्रैवल कर रहा था। बट हाँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस यार, पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स में तो मैं इंग्लिश में ही डब करूंगा, क्योंकि वो मैं गेम अभी जस्ट खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गेम अपना अधूरा रह जाए और जो फाइल्स है मेरी ऐसी पड़ी रह जाए, तो मैं उस गेम को ना जल्दी से जल्दी जो है वो शायद नवंबर के एंड तक ही मैं उसे खत्म करने के लिए सोचूंगा। और जैसे ही वो गेम गाइस खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो है हम और भी अच्छे अच्छे नए सीरीज लाते रहेंगे हिंदी डब में। वो अपना लास्ट गेम होने वाला है गाइस इंग्लिश डब में, तो यार प्लीज इसे इंजॉय जरूर कीजिएगा। एंड हाँ अभी जो है आपको शायद बीच में ये हफ्ते में शायद आपको एक दिन दो चार वीडियो आ जाए 10 मिनट के अंदर की, बट उसके बाद से ना गाइस यार आपको जो है वो 20 मिनट तक है आपको एंजॉय करनी है, 20 मिनट की वीडियो आने वाली है। उसके बाद में हेड्स एंड टेल्स के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ, बड़े बड़े वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो हेड्स एंड टेल्स की मुझे वो जर्नी जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि यार आप लोगों को वो गेम पसंद नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ी सी यार मतलब कि मुझे भी इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, अच्छी स्टोरी है बट यार थोड़ी सी कैची नहीं है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो आपने गेम खेला था पोकेमॉन फायरड बेंटेन, या उसकी स्टोरी तो आपको पता ही थी, मुझे तो पता ही थी फायरड की स्ट्रेंथ स्टोरी थी। बट यार मुझे इसमें उस गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि यार उसमें पोकेमॉन नहीं थे, बेंटेन के एलियंस थे, इसलिए मुझे उस गेम को काफी ज्यादा मजा आया खेलने के लिए। बट यार और उसी दौरान आपको भी काफी ज्यादा मजा आया था उस गेम को खेलने के लिए। मैं ऐसा ही कौन सा तो गेम खोलूंगा और सोचूंगा कि ऐसा ही कौन सा तो गेम लेकर आऊँ आपके लिए आपके सभी के साथ 3 बजे के अपने शेड्यूल के लिए। बट यार तभी तक आपको जो है यहाँ पे बस पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स, शायद तो ये नवंबर के एंड तक जो है अपनी पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स की जर्नी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, हो जानी चाहिए शायद। मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा जरूर कि पोकेमॉन हेड्स एंड टेल्स को मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि आप नवंबर के भी यहाँ पर बीच में मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। बट हाँ यार अपने मेन गेम जो है यहाँ पर आने वाला है, जो कि है पोकेमॉन वाइट 2। मैंने मतलब कि पोकेमॉन फायरस इसलिए स्टॉप की थी क्योंकि यार व्यूज अच्छे आ नहीं रहे थे, एंड उसी दौरान जो है मैंने यहाँ पर पोकेमॉन ब्लैक की सीरीज खत्म की, क्योंकि मैं चाहता था गाइस यार जैसे ही मैं अपनी पोकेमॉन फायरस की सीरीज स्टार्ट करूँ ना, उसी दौरान मैं जो है यहाँ पर एक नया गेम भी लेकर आऊँ, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पोकेमॉन ब्लैक के 200 वीडियो जो है वो खत्म कर दी। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर अपना इस थर्सडे से, यस इस थर्सडे से जैसे यार अपना पोकेमॉन वाइट 2 का एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। इस बार मैं यहाँ पे टेपिक के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मैंने टीम जो है वो पहले ही अपनी मतलब कि मैंने अपनी नोटपैड में लिख के रख दी है। मैं हर गेम में ऐसे ही करते रहता हूँ, जो भी मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ मैं, और पिछली बार भी पोकेमॉन ब्लैक के टाइम भी मैंने यहाँ पर मेरे नोटपैड में मैंने मेरी टीम यहाँ पर रख दी थी। ओके वेट अ सेकेंड, आखिरकार हम यहाँ के सारे के सारे पोकेमॉन बिना किसी को बताए हुए और किसी को रोके हुए हम इसे पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा सपना सच होने वाला है। ए, तुम लोग भी अपने काम पर फोकस करोगे, मुझे यहाँ पे सोचने दो। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए, क्या हुआ टीम रॉकेट? लगता है हमारे सपने अब रुकने वाले हैं। यस तुम्हारे सपने यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने वाला हूँ। ये भी होगा यार ध्रुव द गेमर वर्सेस द टीम रॉकेट जेसी एंड जेस। यार काफी ज्यादा देर हो गई यार इन लोगों से भी मुलाकात करते हुए, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यार इन लोगों को हराने में भी। बस यार अभी इनके पास दोस्तों यार बॉबा फेट नहीं है, तो मुझे अभी इतना मजा भी नहीं आ रहा इन लोगों को हराने में। मतलब कि यार बॉबा फेट हमें इतनी ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस शेयर देता था ना, मतलब कि यार एक्सपीरियंस पॉइंट इतने ज्यादा अच्छे से देता था मुझे, इसलिए काफी ज्यादा मजा आता था उसके साथ बैटल करते हुए। ये हमने हरा दिया है टीम रॉकेट जेसी एंड जेम्स को, हम ऐसे हो रहे हैं। तो चलो यहाँ पर दोस्तों टीम रॉकेट यहाँ पर फिर से भाग चुकी है, तो लेट्स गो यहाँ पर अभी हम चलते हैं। बट मुझे लगता है कि पीछे की साइड ना थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना बाकी है, तो या बैक इन टू द टॉपिक। यस यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ टीस माउंटेन, तो मैं जो जितने भी मेरे 2 महीने की जो जर्नी थी ना वो आपको एक्सप्लेन करके बता ही देता हूँ। मतलब कि हाँ तो पोकेमॉन वाइट से पोकेमॉन ब्लैक के पिछले कहा था मैं, हाँ
तो पोकेमोन ब्लैक की जर्नी में मैंने पहले ही डिसाइड करके हुआ था कि मैं कौन से पोकेमोन चूज करूँ, क्योंकि मुझे बीच में ज्यादा ये नहीं था चाहिए था कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ मुझे कौन सा पोकेमोन चूज करना है। मैंने उन पोकेमोन के सारे सारे अटैक्स भी सीख कर मतलब कि पता चल किए थे, मैंने पता किए थे पोकेमोन की वेबसाइट पर। एंड हाँ, इस बार भी मैंने जो जो टीम मुझे चुननी है ना, जो टीम मुझे डिसाइड करनी है अपनी फिर से यूनिवर्सियन की जर्नी को खेलने के लिए, तो वो मैंने चूज कर दी है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई भी टेंशन लेने की बात है नहीं आप लोगों को। बट या अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टीम में सिलेक्ट करूं, तो यू कैन गो जब मेरी पहली वीडियो आ जाएगी पोकेमोन व्हाइट टू की, वरना तो आप इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे कौन सी टीम चूज करनी चाहिए। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस यार कि हाँ, इस बार मैं टेबिंग के साथ नहीं जाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं स्नाइप भी नहीं तो ऑशवर्ड के साथ जाऊँ। राइडर में सबसे ज्यादा चूज करने वाला हूँ ऑशवर्ड को, क्योंकि यार वॉशिंगवर्ड को मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर एडवांटेज देगा अगर मैं पोकेमोन वाइट टू खेल रहा हूँ तो। बट देखते हैं, स्नाइवी भी किसी से कम नहीं है। सोचूंगा गाइस यार यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी, हाँ एक कंफर्म है कि अभी से जो है यहाँ पर मैं बिल्कुल भी यहाँ पर मैं गैप लेने की नहीं सोच रहा हूँ इन दी यूट्यूब। यस, यूट्यूब से मैंने काफी ज्यादा मतलब की गैप ले लिया है हब, एंड मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी मतलब की पिछले हफ्ते से मैं अपने गाँव आ चुका था और मुझे पिछले अभी जाना नहीं है। हाँ, कभी कभार गया तो मैं जाऊंगा, बट अभी तो इतना जल्दी तो मुझे जाना नहीं है, तो इसलिए मैं ना अभी जो अपने पेंडिंग जो काम है ना, सबसे पहले पोकेमोन फायर की जर्नी को रिस्टार्ट करना, वो तो अपना आज से जो है वो शुरू हो चुका है। एंड आई होप गाइस यार आप लोग आज की वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। सो लेट्स गो, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हम कैसे यहाँ पर बैटल स्किप कर दे रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, अभी पूरा 15 जितने भी मैंने की वीडियो है ना, उस वीडियो में बिल्कुल मैं नॉन स्टॉप बोलने वाला हूँ बिना किसी देरी के। यस, बिना किसी रुके हुए यहाँ पर मैं नॉन स्टॉप बोलने वाला हूँ। पहले क्या करता था, जब बैटल आता था ना वाइल्ड पोकेमोन वाइल्ड ट्रेनर की मतलब कि जो वाइल्ड रूप में यहाँ पर ट्रेनर्स होते थे उनके साथ बैटल आता था, तो वो बैटल में दोस्तों पॉज कर देता था मेरी मतलब की मैं अपना मैं बोलता था कि ये बैटल खत्म करके फिर से लौटता हूँ, और जब वो बैटल खत्म हो जाता था तो मैं आपके साथ फिर से बात करना स्टार्ट कर देता था। बट इस बार में नहीं होने वाला है ऐसा। इस बार मैं बैटल के दौरान दोस्तों वो वीडियो पॉज करूंगा, एंड जैसे ही वो बैटल खत्म कंप्लीट हो जाएगा उसी दौरान मैं वीडियो स्टार्ट करके आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो बैटल कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। इतने स्पीड से जो है हम यहाँ पर आगे की तरफ चले जाने वाले हैं। एंड यस, हियर वी आर इन दी आइकिरस सिटी। तो यस गाइस, यहाँ पर हम आइकिरस सिटी पर आ चुके हैं। तो सोच रहा हूँ गाइस यार आज जो है वो बस एक्सप्लोर ही कर दूं इस सिटी को, और कल जो है गाइस यार हम अपना चैलेंज जो है वो कर दें, क्योंकि यार पहले ही काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, टोटल अभी 13 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं गाइस यार यहाँ पर आज तो मैं सबसे पहले तो इस सिटी को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर देता हूँ। एंड काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, बट नहीं अब बारिश जो है वो रुक चुकी है। बट चलो अच्छा हुआ बारिश रुक गई, हमें अच्छा सा एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी ये सिटी। तो चलो यार हम चलते हैं। ओके, तो ये बारिश में रहना नहीं चाहती, चलो कोई बात नहीं यार हम आगे की तरफ चलते हैं गाइस यार। ये क्या है, आइकिरस सिटी, अ स्काई ग्लिटरिंग विद द फ्लावर्स ऑफ स्नो। ओके, एंड हाँ यार आप लोगों को अच्छा एपिसोड कैसा लगा प्लीज यार कमेंट में जाके जरूर बताना। मैंने क्या नया ट्राई किया है गाइस यार आज के एपिसोड से, एंड पूरे के सारी एपिसोड से एक्सेप्ट हेड जेंटल्स, क्योंकि हेड जेंटल्स में मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है, क्योंकि यार मैं अभी बस उस सीरीज को खत्म करना चाहता हूँ। यार आप लोग देखो यार ना देखो, मैं सचिन बता रहा हूँ गाइस यार, बी ऑनेस्ट में यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ कि यार मुझे पता है कि आप लोगों को हेड जेंटल्स की जर्नी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बट यार प्लीज उस सीरीज को भी अच्छे खासे व्यूज जरूर देना। एंड मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा उसे खत्म करूँ, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर मैं नई सीरीज स्टार्ट करूँ। तो ओके, इसकी कहानी सुन लेते हैं क्या कर रहा है। स्मार्ट और लॉयल यहाँ पर है। ओके, खत्म हो गई। एक्सपीरियंस शेयर, शायद इस जर्नी में मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस शेयर होगा ना यार। इस गेम में मुझे एक्सपीरियंस शेयर खुलने में बिक रहे हैं यार यहाँ पर, तो शायद टोटल मेरा थर्ड या फोर्थ एक्सपीरियंस शेयर होगा, आई डोंट नो। मैंने शायद दो तो किसी और प्रोग्राम को देखे रखे हुए थे, इस गेम में देखते हैं क्यों। ओके, तो गाइस यार एपिसोड के एंड में मुझे काफी ज्यादा अच्छा सरप्राइज मिला है यहाँ पर, जो कि है क्यूलम। कोई बात नहीं यार, हम इसे पकड़ने वाले हैं, अपने पास मास्टर बॉल्स पड़े हैं 17। यस हाँ, तो यार मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट भी आया था और इस पोकेमोन को पकड़ते हुए मैं कहता हूँ कि यार ऐसे लोग पकड़े नहीं थे यार, ये लेजेंडरी पोकेमोन यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि आप पकड़ो, आप पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो और नहीं पकड़ना चाहते हो आप नहीं पकड़ सकते, आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम में दोस्तों यार मतलब कि अपने पीसी में लेजेंडरी पोकेमोन में रखूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ बस, और कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं है पर्टिकुलर रीजन मेरा। यस, इट जनरेट्स अ पावरफुल फ्रीजिंग एनर्जी इनसाइड इटसेल्फ, बट इट बॉडी फ्रोजन व्हेन द एनर्जी लीक्ड आउट।
यस, एक ड्राइगर ने आज टाइप दोनों ही टाइप के आप पोकेमोन है यहाँ पे। तो चलो मुझे लगता है गाइजर इस एपिसोड को एंड इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। तो या आज इस वीडियो में इतना ही गाइजर, मुझे उम्मीद है गाइजर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबा देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ गाइजर पोकेमोन फायर के अगले एपिसोड में इन दी नेक्स्ट वीडियो कल। तब तक के लिए गाइजर गुड बाय। बट हां, जाने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए।